द इनविजिबल मैन चैप्टर 14 हिंदी समरी। अदृश्य आदमी और मिस्टर मार्वल पोर्ट स्टाव पर थे। मिस्टर मार्वल अभी भी बहुत अधिक घबराए हुए, थके हुए और डरे हुए थे। अदृश्य आदमी की किताब उन्हीं के पास थी, तो उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं वह कहीं पर गिर न जाए। तभी एक मैरिनर सराय से बाहर निकला और मिस्टर मार्वल के पास एक अखबार लेकर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा और सुहावने मौसम के बारे में बताने लगा। उसने मिस्टर मार्वल के आसपास सिक्के खनखनाने की आवाज़ सुनी। वह मैरिनर चकित था कि उस आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। मिस्टर मार्वल नाविक से अदृश्य आदमी वाली खबर के बारे में चर्चा करते हैं और अंत में निश्चय कर लेते हैं कि अब वो उस नाविक को अदृश्य आदमी के बारे में बता ही देंगे और मदद मांगेंगे। और वह झुके और धीरे से नाविक के कान में बोले, वह अदृश्य आदमी के बारे में जानते हैं। पर तभी किसी वजह से उन्हें भयानक पीड़ा होने लगी और उनका चेहरा बदलने लगा। यह सब अदृश्य आदमी कर रहा था ताकि वह मुंह बंद रखे। इतनी पीड़ा की वजह से मिस्टर मार्वल वहां से चल दिए, पर जाते जाते बोले, ये खबर अफवाह है, इस पर ध्यान मत दो। बाद में नाविक को अपने दोस्त द्वारा रुपये उड़ने की बात सुनने को मिली और उसे और भी कई छोटी मोटी चोरियों के बारे में पता चला जिसमें किसी अदृश्य चीज ने लोगों को लूटा था। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड